काफ़ी दिनों से एक चीज़ की वेट कर रहे थे, वो अभी कुरियर वाला देके गया है कुरियर एंड आ रहे हैं वो लेकर। आई डोंट नो किस चीज़ के लिए एक्साइटेड हैं ये, जो इतना इन्होंने मतलब सस्पेंस में डाला हुआ मुझे इतने दिनों से। क्या है क्या यार, इतने दिनों से सस्पेंस में डाला है मुझे, मुझे आपने। सुबह सुबह मुझे मिला है अमेज़न का कुरियर, इसमें मैं क्या मंगवाया था अभी, इसमें क्या है अभी आपको मैं खोल के बताऊंगा। अच्छा लो, पति को ना व्लॉग करना आ गया, इनको ना सस्पेंस में डालना आ गया लोगों को। तो पति का कुरियर आ चुका है, तो ये देखो बैठे हैं खोलने के लिए। इसे सर कैसा फील हो रहा है, आपने कुरियर मंगवाया है क्या इसके अंदर, जितने एक्साइटेड हो मुझे बता दीजिए क्या है इसके अंदर। अभी देखता हूँ जो चीज मैंने ऑर्डर की है वो सही सही वो ही निकलती है कि कोई कुछ और निकलता है, तो चलो अभी आपको मैं उसको खोल के दिखाता हूँ। अमेज़न की जो सील होती है बड़ी अच्छी होगी। नहीं नहीं, अच्छा की कह रहे हो अमेज़न दी, अच्छा बंद किया होता है अमेज़न, अच्छा अच्छा पैकिंग सील होती है ना, पैकिंग बड़ी अच्छी की होती है वो, तो सारे बहुत अच्छे करते हैं। हाँ किसी किसी का नहीं अच्छा होता, दोबारा खोल के दोबारा ऐसे नहीं बंद कर सकता इसको मैक्सिमम। तो क्या ये, अब मैंने जो मंगवाया है मैं आप लोगों को बता दूं क्या मंगवाया है मैंने। मैंने मिनी स्पीकर मंगवाया है, इसके अंदर ब्लूटूथ है और इसमें वाईफाई है और इसमें एफएम है। इसको हम लैपटॉप के साथ ज्वाइंट करेंगे और इसमें नए नए सॉन्ग सुनेंगे। इसका सुनेगा सॉन्ग लग रहा है आप जैसे न्यूज़ सुना रहे होते हो। मैं आपको दिखाऊं क्या मंगवाया इसमें, वेरी गुड। इसको क्या बोलते हैं, कैप्सूल, कैप्सूल की शेप में बना होता है। आपको दिखाता हूँ क्या है, कैसे खुलेगा ये, एक बड़ी अच्छी पैकिंग है इसकी तो। ओ माय गॉड, बिल्कुल इसको चलाएगा और नए नए सॉन्ग सुनेगा इसमें। कैसे खुलेगा ये तो बताओ, इसकी जरूरत क्यों पड़ गई हमें। एक्चुअली हमारे जो लैपटॉप का स्पीकर पता नहीं वो खराब हो चुका है, पता नहीं उसका कोई सॉफ्टवेयर करने वाला है, तो इसलिए हमने इसे बाहर लगाएंगे, जो हमारे इसकी आवाज़ भी थोड़ी काफ़ी ऊंची होगी। वेरी गुड, कलर तो ब्लैक भेज दिया मैंने तो, किया था दूसरा ब्लैक ही ठीक है, स्काई ब्लू किया था। नहीं नहीं ब्लैक ठीक है, लैपटॉप के साथ मैच करता तो आई थिंक गुड, ब्लैक ही ठीक है। आपने कौन सा मंगवाया था, वाइट। तो वेरी गुड, बड़ा वेरी नाइस यार, बताओ अमेज़न से। वैसे भी मैं कोई चीज़ मंगवाता नहीं हूँ, जैसे मैं आपको पहले ही बोला था वो जो मंगवाते कुछ और है, निकलता कुछ और है। ये मैं सेकंड प्रोडक्ट मंगवाया ना अमेज़न से। नहीं मैं तो कम से कम इससे चार पांच प्रोडक्ट मंगवा लिए, तो मतलब कोई चीज बस। हाँ वो ट्राइपॉड बड़ा बकवास निकला, पहले हमने मंगवाया, ज्यादा महंगा नहीं था, सिर्फ 300 350 का था जी। चलो 350 में आता भी क्या है। हाँ पुत्र, हाँ जी वाला कलर नहीं, वो तो जी ब्लैक कलर, ये ब्लैक कलर मंगवाया बेटा हमने। इसमें ये सारे कलर है प्रीति, इसके अंदर और क्या है, ये क्या दिया हुआ है इसके अंदर, ये कलर दिए हुए हैं बायर भी। अच्छा बायर है मेरे हाथ में, मैं कहा कलर मंगवाया सी, हां हां ब्लू। ये मेरे पति को ना क्या कहते हैं, अभी तक ना कहते हैं सिंगापुर का भूत अभी तक निकला नहीं है इनके दिमाग में से। सिंगापुर में ना कार जो वहाँ पे चल रही थी इसी कलर की, जो अभी बताया आपको ब्लू कलर है ना, ये वाला कलर बोल रहे हैं ना, ये कलर अच्छा था वो, इतनी मतलब यार मैं बता नहीं सकती, इतनी अच्छी थी ना कार, पूरी चमक रही थी रोड के ऊपर है ना, तो वही इनके दिमाग में चल रहा है कि ब्लू कलर बड़ा अच्छा लग रहा है। हाय गाइस, तो अभी मैं आई हूँ पास में जो नर्सरी है वहाँ पे, हमारे कुछ गमले खाली हो गए थे तो उनके लिए कुछ प्लांट्स लेने हैं वो लेने, और आज मैं आपको बताऊंगी इस नर्सरी की थोड़ी सी झलक दिखाती हूँ, और ये नर्सरी और भी खूबसूरत हो गई है और वो भी दिखाती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। ये पति मुझे बुलाने आए थे क्योंकि मैं काफ़ी लेट हो गई थी, सो हम बाहर चले गए थे तो धूप में वो सड़ गए अंदर, सो अब उन्हें चेंज करना है हमें, तो कुछ प्लांट्स लेने आए हैं
और जैसा मुझे लग रहा था कि बाहर बहुत गर्मी होगी तो थोड़ा मतलब ठीक है उससे, मुझे लग नहीं रहा था कि मुझे लग रहा था कि बहुत गर्मी होगी, नहीं जाना मुझे, मेरे को मना कर रही थी कि मुझे नहीं जाना है, बहुत गर्मी होगी। तो लेकिन काफ़ी अच्छा है, बढ़िया लग रहा है यहाँ पे आके। तो नर्सरी की झलक दिखाती हूँ, पूरा ग्रीनरी ग्रीनरी यार, बहुत मज़ा आ रहा है यार, है ना प्रीत? तो पति अब चूज़ करेंगे कुछ गमले। वो देखो दोनों मैडम क्या कर रही हैं, पूरे मज़े लूट रही हैं। अभी दिखाती हूँ बैक कैमरा करके। लोग यहाँ पे आओ वापस। दोस्तों ये हैं यहाँ के कुछ, मतलब बहुत खूबसूरत हैं कुछ प्लांट्स। देखिए खूबसूरती नेचर की, जिसने इतने अच्छे अच्छे प्लांट्स बनाए हैं, कलर उनको डबल शेड दे दे के। हम रंग भरते हैं, दो दो रंग लेते हैं, फिर कितना गंद मचाते हैं, कपड़े अपने गंदे करते हैं, है ना। देखिए लेकिन कुदरत ने नेचुरल तरीके से बिना कपड़े गंदे किए, बिना ज़मीन गंदे किए, इन्हें कितना खूबसूरत बनाया। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया हैं, और इंसान ने इनको एक अच्छी शेप दे दी है। देखिए एक बेल है, बेल को एक डंडा बना दिया ब्लैक कलर का ये करके, और बहुत बढ़िया बना दिया, शेप बहुत अच्छी दे दी है। ये देखिए बहुत अच्छे अच्छे प्लांट्स हैं गाइज यहाँ पे। ये नर्सरी एक्चुअली में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत सफाई है, बहुत खूबसूरत है, बहुत क्लीन है। देखिए अगर बड़ा पेड़ चाहिए आपको वो भी मिल जाएगा यहाँ पर, बहुत सफाई है, बच्चे आराम से घूम सकते हैं यहाँ पे। ये नहीं है कुछ उठा के मुंह में डाल लेंगे या कुछ, इंजॉय करेंगे। अगर आप इस नर्सरी में अपने बच्चों को लेके आएंगे ना तो बहुत इंजॉय करेंगे बच्चे। ये कहाँ पे है वो मैं मेरे हस्बैंड को पूछ के बताती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं पता, आती बहुत बार हूँ, बहुत बार, ये नहीं है मैं एक दो बार आई हूँ यहाँ पे। आप लोगों के साथ जितने भी मैंने ब्लॉग शेयर किए हैं नर्सरी के, यही नर्सरी मैक्सिमम मैं इसी नर्सरी में आती हूँ, और एक मेरे घर जाती हूँ जब मैं गाँव अपने रास्ते में पड़ती है हमें वहाँ पे, लेकिन मोस्टली मैं यहीं पे आती हूँ। ये नर्सरी मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत नाइस, बहुत खूबसूरत एंड बहुत क्लीन, और यहाँ पे तो वैसे मुझे बहुत मज़ा आता है। सो प्रीत चूज़ कर रहे हैं अरिका पाम, वो चाहिए उनको। यहाँ पे बहुत सारे वर्कर जो काम करते हैं वो 5 बजे चले जाते हैं, तो दैट्स वाई मुझे काफ़ी टाइम से बोला जा रहा था कि 5 बजे से पहले आओ, तो हम शायद थोड़ा लेट हो गए मे बी। नर्सरी आना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके घर में प्लांट्स हैं या फिर आपके घर में कुछ गमले खाली भी हैं तो नर्सरी ज़रूर जाइए। बिल्कुल आलस मत बरतिए मेरी तरह यार, फिर को भी चले जाएंगे छोके, ऐसा मत कभी मत करें। नर्सरी आना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत एक अच्छी सी सांस आती है, बहुत मज़ा आता है, तो ज़रूर आया कीजिए नर्सरी। सो गाइज अभी हमने एक दो दो गमले प्लांट दो प्लांट ले लिए हैं, इसके बारे में हम सोच रहे हैं, वी जस्ट थिंक अबाउट दैट प्लांट अभी हम सोच रहे हैं। और ये वाला प्लांट भी काफ़ी अच्छा ना, बहुत बढ़िया ना ये भी, ये बहुत सुंदर है, वेरी नाइस। सो अभी हम जा रहे हैं इंडोर, वहाँ पे देखते हैं कैसे हैं, कैसे गमले बड़े हैं, कैसे रखे हुए हैं, और बड़ी बड़ी सजा कर रखे हुए हैं, वो दिखाती हूँ आप लोगों को। चलिए अभी हम नर्सरी के अंदर चलते हैं। आओ अंदर चलते हैं, आओ अंदर। गाइज अंदर का नज़ारा बहुत अच्छा होता है, बहुत बढ़िया तरीके से अंदर सजा के रखे होते हैं, जिंग प्लास्टिक बाइक क्लोथ्स बैग प्लास्टिक बैग लीवर के बैंक करो, ओके नोट लिख के लाया हुआ यहाँ पे। आए तो गाइज यहाँ पे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे खाली गमले पॉन्ट, जिसमें आप अपने गमलों को लगा सकते हैं, अलग अलग डिज़ाइन के हैं। वहाँ से मैंने काफ़ी पिक किए हैं, वहाँ से मेरे घर पे आपने देखे होंगे कलरफुल कुछ हैं जो वहाँ से मैंने लिए थे। एंड वैसे छोटे गमलों का कोई फ़ायदा नहीं है, मत लीजिए क्योंकि मेरे पास रखने की जगह नहीं है। सो आई थिंक बहुत मुश्किल होता है उन्हें हैंडल करना। यहाँ पे की दीवार बनाकर दिखाया गया है कि कैसे उनको सजा सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट काफ़ी बड़े पॉन्ट यहाँ पे मिलेंगे आपको, लुक एट दिस, सीरियसली अमेजिंग। मुझे बहुत शांति मिलती है यहाँ पे आके,
यहाँ पे कुछ गिफ्ट के लिए भी रखा हुआ है, पॉन्ट करके देती हैं ये, तैयार करके देती हैं, अगर किसी को कुछ गिफ्ट देना है आपने, यहाँ पे पूरा भर भूर के पूरा सेट करके आपको देंगे, डेकोरेट करके सारी चीज़। ये देखिए प्रीत, एक किराया ये बाहर लग गया है, एक ही लगने का, एक ही लगने का, ये जड़ा ना परिया परिया है, काफी लाए होने बीच, नहीं एक ही पौधा है, एक ही पौधा है ये, कितने का है ये? तो ये महंगा होगा, बाहर 60 रुपए। अच्छा 60 रुपए का ये, चलो हाँ ये दे देना फिर, एक है ना, है ना प्रीत, ये तो एक सिंगल चल चुका है, नीचे होने पर नीचे ब्रांचेस है उसके अंदर, ठीक है ये दे देना फिर, एक है ना, और देखो ना, अच्छा ये वाला दूसरा ना, ये वाला मुझे, अच्छा ये, हाँ अच्छा लग रहा है, ये तो फिर पॉन्ट भी काफी बड़ा है ना हमारे, सात पौधे लगे ना, 7-8 पौधे, अच्छा तो आपको अगर 8 इंच या 10 इंच होगा तो 3 पौधे मैंने कह रहा था। अच्छा अच्छा ओके ओके, हाँ भरा सा लगता है, वेरी नाइस वेरी नाइस, मज़ा आ गया यहाँ पे आके ना, बहुत मज़ा आ गया। काफी अच्छा है, काफी अच्छा है। एक हमने वो लिया है अरिका पाम, अरिका पाम हमने कौन सा लिया बोला, अरिका पाम लिया ना, ओके। ये डॉट्स वाला हमारे पास है प्रीत, ये डॉट्स वाला ग्रीन, ये वाला, हाँ जी बेटा ये वाला ले लें, नहीं ये नहीं लेना, नहीं ये सूख जाते हैं जल्दी, अभी देखते हैं क्या, ये नहीं सुना है प्रीत, ठीक है के साथ वो बड़ा हुआ के पिया तो अंदर सारे अंदर वाले चाहिए, अंदर रखने हैं, तेरा मैं जमीन गाले आ गए अंदर बाहर होने के लिए, ओ ग्रीन वाला किदा है, ओ पत्ते वाला फ्री, वो भी बहुत बढ़िया है, वो भी इंडोर चलता है, कितने का इधर वाला 100 रुपए का है, वो भी 100 का ही है, नहीं वो बड़े पत्ते वाला नहीं, ये वाला सही लगता है, कि नहीं महंगे लगी करना पर खबर होना का नहीं होना, या बाजार में ठीक है, ओके अंदर नहीं पाए उधर की और अंदर नहीं, तो अभी विंकल पूरा एंजॉय कर रही है यहाँ पे, कहती यहाँ पे देखो पार्क, छोटा सा ग्रीन सा बनाए हुए हैं, कहती पार्क, अभी भी नर्सरी में काम चल रहा है, ऊपर देख रहे हैं ऊपर बच्चों के लिए बनाया जा रहा है नर्सरी के बिल्कुल ऊपर, ताकि बच्चे जो आते हैं पेरेंट्स के साथ वो इंजॉय करें खेल पाएँ, तो वो है, तो अब ऑलमोस्ट हमारे 2-3 प्लांट्स हो चुके हैं, तो 3 प्लांट हम बाय करते हैं और उसके बाद देखते हैं कुछ और अगर पसंद आता है तो। बटरफ्लाई इधर आ, देखो बटरफ्लाई के पीछे पड़ी हुई है ये, विंकू नो, साइड पे रख दो इसको, साइड पे रखो इसको, आपने तोड़ दिया इसको, क्यों तोड़ा, उसके मम्मा उसको आपको गुस्सा करेंगे, अब उसके मम्मा गुस्सा करेंगे आपको,
उसको उसको ना बटरफ्लाई दिख गई है, देखो उस बटरफ्लाई के पीछे पड़ी हुई है वो, कितनी आगे कितनी आगे, वाओ वाओ, अरे 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 चू ये एक ही है ना, ये एक ही कोई है। गाइज़ ये गमले ले आए हैं हम, तो एक दो तीन तीन गमलों की शॉपिंग किया हमने, अच्छा वो भी साथ में दे दिया उन्होंने, ये भी साथ में होता क्या, अच्छा चलो चले अब हम ऊपर ऊपर चले, हिमालय आया नहीं अभी, मैं लेके जा रहा हूँ गमलों को सबसे ऊपर टॉप फ्लोर पे, मैं भी लेके जाऊंगा क्या, कौन से होगा यार, चक्री ये पकड़ा दो आपके हाथ में है, जो गमले पड़े हैं ऐसे, ओके ये काफी इजी है, अरे ये दोनों वापस क्यों आ रहे हैं, हाँ जी हाँ जी, क्या हुआ क्या हुआ तुझे, तू वापस क्यों आ रही है, क्या हुआ। सो अभी हम जा रहे हैं ऊपर, ये वो देखो वो देखो टीने मिटने क्या कर रहे हैं, तो चलिए अभी मैं प्लांट्स के साथ ऊपर आप लोगों को लेकर चलती हूँ, हरा हरी हरी शॉपिंग हो गई आज हमारी, हाँ ग्रीन शॉपिंग, टायर्ड हम टायर्ड, क्या हुआ अब हम आ गए टॉप फ्लोर पे, और फर्स्ट फ्लोर तक तो ठीक होता है, जब टॉप फ्लोर सीढ़ियां आती हैं ना यहाँ निकल जाती है, चलो फाइनली घर आ गया, तो ये रहे अब नीचे रख दिए इन्होंने सारे, इनमें लगा देंगे, माली को बुलाएंगे भर देगा इनको, वो भी सूख गया है, तीन सूख गए हैं तीन के तीन, तो ये सो गाइज कैसा लगा आपको ये नर्सरी व्लॉग बताइएगा, और बिल्कुल नर्सरी वीक में एक बार या 15 दिनों में एक बार ज़रूर जाएं, बहुत अच्छी वेव्स आती हैं, मतलब पॉजिटिव वेव्स आती है ना प्रीत माइंड में, एक पॉजिटिव वेव्स आती रहती है, हमारे हम तो नर्सरी में जाते रहते हैं क्योंकि हम टॉप फ्लोर पे रहते हैं, इतनी गर्मी है, हमारे जो गमले हैं गमले में जो प्लांट्स लगे हुए हैं वो सूख जाते हैं, तो इसलिए हमको 10 दिन बाद 15 दिन जाना पड़ता है, जाना ही पड़ता है, आप लोगों को पता है नर्सरी ब्लॉग आप देखते हो बहुत जल्द हमें जाना पड़ता है, सो एनीवेज अगर ये नर्सरी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कौन कौन नर्सरी जाना पसंद करता है और किस किस को कौन कौन से प्लांट अच्छे लगते हैं, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।